पकौड़े बना के रख लिए हैं, थोड़ी सी बच गई हैं। आज कढ़ी पकौड़े चावल के रेसिपी आज के खाने में रात में हम तैयार करे हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छी ही होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पर सभी दोस्तों की स्वागत है। आज के खाने में हम बनेंगे कढ़ी और चावल को रेसिपी। हम पहले बेसन के घोल लेते हैं। मैंने सारे मसाले इसमें डाल चुकी हूँ। अब इसे हम पकाएंगे। जब तक पकौड़े के लिए बेसन तैयारी करेंगे। हल्दी का पाउडर दे दिए हैं इसमें, धनिया का पाउडर और लाल मिर्ची का पाउडर दिए हैं इसमें। नमक भी दे दिए हैं, जीरा अजवाइन भी दे दिए। इसे मिलाएंगे अच्छी तरह से। थोड़े थोड़े पानी डालकर इसमें इसके पकौड़े बनेंगे ना अच्छे से इसे मिलेंगे। हमारा ये तैयार हो चुकी है। अब इसे हम तेल में तल के निकालेंगे पकौड़े के। तेल में डाल लेंगे इसे। इसे हम उलटाएंगे फुलटाएंगे ऐसे करके चम्मच से सहारे से। कैसे लग रहे हैं देखने में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पकौड़े बना के रख लिए हैं, थोड़ी सी बच गई हैं। अब इसे हम कढ़ी को फ्राई करेंगे। लहसुन, तेजपत्ता और लाल मिर्च, अजवाइन, जीरा और प्याज भी डाल दिए हैं थोड़ी सी, टेस्ट बन जाए इसीलिए प्याज डाल दिए हैं। प्योर नहीं डालते हैं करी में, फिर भी हमने डाल दिए हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। कढ़ी को फ्राई करेंगे। कढ़ी को हमने फ्राई कर लिए हैं। अब इसमें पकौड़े डालेंगे, फिर हल्की सी से हम चूल्हा पर चढ़ेंगे। सारे पकौड़े हमने डाल दिए हैं इसमें अच्छे से मिलाकर। फिर हम इसे चूल्हा पर चढ़ाएंगे थोड़ी देर के लिए। ये हमारे कढ़ी बन को तैयार हो चुकी है। आज के खाने में कढ़ी और चावल को रेसिपी बनाए हैं। खाने के लिए हमने निकाल लिए हैं।
अगर चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलते हैं।